देश के प्रधानमंत्री, देश की केंद्रीय सत्ता जिस तरीके से संविधान को बदलने की एक साजिश रच रही है, जिसको वकील समाज और देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी पहले ऐसे नेता हैं देश के जो आम जन की बात करते हैं। आज वो जाति पाति से ऊपर उठ के राजनीति करते हैं। नीचे से किसी को विश्वास में नहीं ले रहे हैं। सबका साथ सबका विश्वास का नारा तो देते हैं, लेकिन साथ लेके नहीं चल रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की गुंडागर्दी चल रही है। देश के संविधान को अगर बदलने की कोशिश भी की जाएगी तो घर घर से लोग निकल करके सड़कों पर उतर के इस सरकार का विरोध करेंगे। जो कि आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो वकीलों के लिए खड़ी हुई है। दिनेश 50 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। जिस तरह से अभी आपने देखा कि पीछे काफ़ी भीड़ लग रही है, तो मैं आपको बता दूं कि ये भीड़ जो है वो वकीलों की है जो कोर्ट से रोड तक आ पहुंचे हैं, जिसका कारण है अधिवक्ता समाज की गुहार लगाई जा रही है केंद्र सरकार के जनविरोधी कार्यों के विरुद्ध। तो यहाँ जो है आम आदमी पार्टी लीगल सेल से भी कई कार्यकर्ता अध्यक्ष सभी मौजूद हैं। ये रैली जो शुरू हुई है ये पटियाला हाउस से शुरू हुई है, जिसका गेट नंबर 4 था, और ये ख़त्म होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको एक ज्ञापन सौंपा जाएगा, एक पत्र दिया जाएगा, जिसमें ये सभी बातें लिखी जाएंगी जो कार्य केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे हैं वो गलत हैं। यहाँ रोड पर भीड़ को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि कई सौ वकील या फिर दिल्ली के सभी वकील यहाँ पहुँचे हैं, जहाँ आपको दिख रहा होगा कि पोस्टर में सिर्फ आम आदमी पार्टी का जो झाड़ू का निशान है वो नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं वकील भी राजनीति की ओर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ इनमें मुठभेड़ देखी जाती है, असमंजस्य की जो भावना है वो उत्पन्न होती है। लेकिन यहाँ जो आम आदमी पार्टी के प्रति वकीलों की भावनाएं नजर आ रही हैं वो कुछ अलग ही रंग दिखा रही हैं राजनीति के या फिर न्याय के। जहाँ हम देख रहे हैं कि न्याय की गुहार लगाने वाले वकील यहाँ मौजूद हैं, वहीं आम आदमी पार्टी को लेकर ही हमें जिस तरह से दिख रहा है कि लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। अधिवक्ता समाज की गुहार जैसे मुहिम आपने शुरू की है, तो आप कोर्ट से रोड तक आए हैं, कितनी देर तक ये मुहिम चलेगी, कहाँ तक लेके जाएंगे? देखिए, वकील समाज जब जब भी रोड पे उतरता है, इस देश ने आज़ादी के दौरान भी देखा और आज़ादी के बाद इमरजेंसी काल में भी देखा, देश के अंदर जब जब लोकतंत्र को कमज़ोर करने की किसी ताकत ने भी साजिश रची है, उसके विरोध में सबसे पहले वकील समाज उतरता है। वकील समाज लीडर ऑफ द सोसाइटी माना जाता है, हमारी वॉइस जनता की वॉइस है, उसके नाते आज हम रोड पर उतर रहे हैं। बहुत कष्ट है कि देश के प्रधानमंत्री, देश की केंद्रीय सत्ता जिस तरीके से संविधान को बदलने की एक साजिश रच रही है, जिसको वकील समाज और देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। देश की जनता इस बात को भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसका सिलेक्शन जिस तरीके से इंडिपेंडेंट बोर्ड के तहत होना चाहिए, उससे मुख्य न्यायाधीश जी को बाहर किया गया, उसके विरोध में हम लोग आए हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की डिमांड को लेकर हम आए हैं। CRPC IPC एविडेंस को जो बदलने की साजिश चल रही है, उसके विरोध में हम लोग रोड पर आए हैं। और हम लोग दिल्ली की चुनी हुई जनता सरकार जो है, उसमें जिस तरीके से सारे अधिकारों को छीना गया और एक नॉमिनेटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को उनके सर पर बिठाने की साजिश रची गई, उसके विरोध में वकील समाज आज रोड पर आया है। सर, एक सवाल और है कि जिस तरह से आप वकील भी हैं और न्याय की जानकार भी हैं, तो किस रूप में हम देखें कि आम आदमी पार्टी जानकर आप रख रहे हैं, इस जो मुहिम छेड़ी आपने आम आदमी पार्टी के सदस्य होने के नाते छेड़ी है या फिर एक वकील होने के नाते? देखिए, हम एक पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन देश के सिटीजन भी हैं। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी पहले ऐसे नेता हैं देश के जो आम जन की बात करते हैं। आज वो जाति पाति से ऊपर उठ के राजनीति करते हैं, धर्म और देश की यूनिटी की बात करते हैं। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही होने के नाते, हम लोग वकील समाज के साथी होने के नाते, हम ज्वाइंट एफर्ट्स है ये। हमारे इस मांग पे सारी दूसरी पार्टियों के विचार कोई भी हो, उन लोगों को भी हमने आह्वान किया है कि आप आइए, देश का लोकतंत्र बचाइए, देश के संविधान को बचाइए। और इसीलिए हमने अपनी मुहिम का नाम दिया है सेव कॉन्स्टिट्यूशन सेव इंडिया। अधिवक्ता समाज द्वारा जिस तरह से एक मुहिम चलाई गई है, सभी वकील इकट्ठा होकर कोर्ट से रोड तक का सफर तय कर रहे हैं और नारेबाजी के साथ आगे चल रहे हैं, और यहाँ केंद्र सरकार पर जन विरोधी कार्य के आरोप लगाए गए हैं, उसके चलते ये वकील सड़कों पर उतरे हैं। अब देखना यह है कि यह मुहिम कहाँ तक चलती है। मुहिम के चलते क्या कहना चाहेंगे? मुहिम सेंट्रल गवर्नमेंट की गुंडागर्दी चल रही है, संविधान कानून सबको तोड़ा हुआ है, और जो आम आदमी है जिनके हक में कोई कुछ करना चाहता है उस पर नकेल डाल के कानून का मिसयूज करके डाल रहे हैं।
कानूनन डालें तो समझ आती है, ताकि घबराए हुए हैं। मैम किस तरह से इस मुहिम को देखती हैं, क्या करना चाहते हैं? हम जो इस संविधान में बदलाव करना चाहते हैं उसको खत्म करना चाहते हैं, ये सब कुछ ना हो। जो केंद्र सरकार पे जन विरोधी आरोप लगाए उसमें क्या कहेंगे आप? सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाए गए हैं, क्या कहेंगे? सभी आरोप सही साबित हो रहे हैं, आप लोग भी देखते हैं कि क्या हो रहा है देश में, रोज कोई ना कोई अरेस्ट हो रहा है। बेसिकली आम आदमी पार्टी को देखकर आप ये कर रहे हैं? हम आम आदमी पार्टी के साथ, हम अपने अपनी अपने संविधान के लिए कर रहे हैं। जो हमारे आईपीसी में चेंजेस हो रहे हैं उनको ठीक करना चाहते हैं कि चेंजेस ना हो। एक टैग दिया गया है, संविधान बचाओ देश बचाओ, तो इसमें सभी वकील सड़कों पर उतरे हैं और लगातार देखिए पोस्टर और नारेबाजी के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे आप कोर्ट से रोड तक इतनी पैदल चल कर आए हैं, क्या रीज़न है और क्यों चल रहे हैं? संविधान बचाने के लिए, जो संविधान में चेंज किए गए हैं, क्रिमिनल लॉ में चेंज किए हैं, उनको बचाने के लिए। तो लेकिन यहाँ तो सर बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को लेकर मोदी को हटाना, ये सब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो वो तो ऐसा कुछ नहीं है, हम अपने संविधान को बचाने के लिए चीजें कर रहे हैं बस। हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे अपनी आवाज़ सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचाने के लिए कि जो संविधान पे हमले हो रहे हैं नीचे से, किसी को विश्वास में नहीं ले रहे हैं, सबका साथ सबका विश्वास का नारा तो देते हैं लेकिन साथ लेके नहीं चल रहे हैं, तो उसके विरुद्ध एक हमारी शुरुआत है। जैसे कि आप बोले कि वकीलों की शुरुआत है लेकिन यहाँ पोस्टर सिर्फ आम आदमी पार्टी के नजर आ रहे हैं, इसका क्या रीजन? आम आदमी पार्टी के झंडे के नीचे हम सभी इकट्ठा हुए हैं और सबको, सब इस समाज को साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ कदम कदम मिला के चले, एक दिन बड़ा जन आंदोलन बन जाएगा यही। जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में छेड़छाड़ की बात करी वो बहुत ही निंदनीय है, और मोदी सरकार का जो इस तरीके का ये जो पैगाम है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होना चाहिए और सीआरपीसी को बदलाव है, वो बहुत ही निंदनीय है। सीआरपीसी में कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए और इस अमानवीय कार्य के लिए हम सब आज अधिवक्ता लोग सब प्रोटेस्ट के लिए खड़े हुए हैं और आज अपने सीजीआई को हम ज्ञापन दे रहे हैं। अधिवक्ताओं के साथ में देश के सिविलियन भी साथ में हैं, देश के संविधान को अगर बदलने की कोशिश भी की जाएगी तो घर घर से लोग निकल करके सड़कों पर उतर के इस सरकार का विरोध करेंगे, और जो भी अधिवक्ता कानून के दायरे में आकर के जो काम करेंगे उसमें सिविलियन भी साथ हैं उनके। मैम क्या कहना चाहेंगी आप इस मुहिम को? जैसा कि मेरे साथी अधिवक्ता ने बताया कि हमारे संविधान का प्रतिदिन वो वॉयलेशन हो रहा है और संविधान को कमज़ोर किया जा रहा है, कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार जो है हमारी बार बार, और अधिवक्ताओं के भी बहुत सारे जो अधिकार हैं उनकी भी डिमांड रखी है हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सीपीसी सीआरपीसी और आईपीसी में जो चेंजेस आए हैं उससे भी हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए हम इन्हीं सब चीज़ों के लिए आज हम विरोध प्रदर्शन हमारा। हाँ तो एक सवाल और करना चाहूँगी, जैसे कि मैम आपने बोला कि वकील समाज कर रहा है लेकिन आम आदमी पार्टी के झंडे भी इस तरह से फहराए जा रहे हैं, तो इससे ये नहीं लगता कि केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधा जा रहा है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी टिपिकल किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं है, हम बस अपने जो अधिकार हैं उनकी उनके लिए हम उनकी मांग कर रहे हैं बस, और जो हमारे जो हनन हो रहा है हमारे अधिकारों का बस उसकी मांग के लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं, और किसी पॉलिटिकल किसी पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे कि अभी सभी को ये पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं हो सकते, बेसिक एलिमेंट्स बहुत सारे अधिकारों का, चाहे वो मानवीय अधिकार हो कोई भी अधिकार हो, उनके बारे में बताता है, ठीक है, तो उसको ही चेंजेस करने की बात कही जा रही है, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और ये इस तरीके का हमारे जो पार्लियामेंट है केवल उनको अधिकार है, उससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है कि अगर किसी तरीके का कोई भी हनन होता है या कोई भी अधिकारों में छेड़छाड़ होती है तो सुप्रीम कोर्ट को ये पूरा अधिकार है कि उसको वो असंवैधानिक घोषित कर दे, तो इसीलिए आज हम सब वकील भाई यहाँ पर, जैसे कि हमारे नसियार जी हैं वो इसी चीज़ के प्रोटेस्ट करने के लिए आज यहाँ पर खड़े हुए हैं, और सारा अधिवक्ता चाहे वो किसी भी बार का हो सभी लोग इस प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो हम यही चाहते हैं कि ये गलत चीज़ें जो हो रही हैं हमारे देश में आम जनता के साथ और हमारे वकीलों के साथ या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ या फिर हमारे सीआरपीसी जैसे कि उस पर अमेंड होने की बात करिए तो वो बहुत ही गलत है। मैम आपकी, आप जैसे कि न्याय की पूरी जानकार हैं, आप खुद सुप्रीम कोर्ट से ताल्लुक रखती है, लेकिन आपको छत्र छाया लेने की क्या जरूरत थी आम आदमी पार्टी की?
देखिए हम लोग वकील कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, जो कि आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो वकीलों के लिए खड़ी हुई है। यह आपको भी पता है कि आम आदमी पार्टी यानी कि केजरीवाल जी ने ही एक लीगल सेल की स्थापना की है जो अधिवक्ताओं के हितों के लिए है। तो ये जो पार्टी बनाई गई है, हमारा किसी भी अधिवक्ता भाई का कोई भी सदस्य पॉलिटिकल पार्टी से ग्रसित नहीं है। जहाँ पर अधिवक्ताओं की बात आएगी, उनके हित की बात आएगी, उनके न्याय की बात आएगी, तो सिर्फ केवल एक केजरीवाल ही खड़े हैं जिन्होंने अधिवक्ताओं के लिए एक पार्टी का निर्धारित किया है, जो कि एक आम आदमी पार्टी की लीगल सेल की बॉडी है जिसमें कई सारे अधिवक्ताएं हैं। और टाइम टू टाइम इस तरीके के अधिवक्ताओं के हितों के लिए प्रोग्राम्स भी होते रहते हैं और हमारी समस्याओं को भी सुनते हैं। जैसे कि केजरीवाल ने ही यहाँ पर एक मेडिकल की एक स्कीम लॉन्च की है जो सारे अधिवक्ताओं के उसके लिए है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी भी अधिवक्ता का राजनीतिक दल से कोई भी मतलब नहीं होता, लेकिन जब अधिवक्ता की बात आती है और जो राजनीतिक पार्टी अधिवक्ताओं के लिए खड़ी है, तो उस पार्टी के लिए हमारा बहुत बहुत शत शत प्रणाम। अधिवक्ता समाज की गुहार जिस तरह से लगाई जा रही है, महिला वकीलों ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो वकीलों के लिए, अधिवक्ताओं के लिए हमेशा खड़ी रही है और उनके जो छत्र छाया में इसलिए उनको सहारा मिल रहा है और उनके साथ ही आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर ही आगे भी चलेंगे। और जो केंद्र सरकार द्वारा जनविरोधी कार्य किए जा रहे हैं उनके खिलाफ इनका ये जो मुहिम है वो आगे भी जारी रहेगा। मिथिलेश के साथ मैं रिया तोमर, द न्यूज़ 15 दिल्ली।